बैठेगा कि आप साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। यही तीन सेक्शन है, जैसे कि इंटरमीडिएट वाले आईएससी लेते हैं, आईए लेंगे या आईकॉम लेंगे। तो प्लस टू में आईएससी नहीं होता है, लेकिन 11 12th होता है। लेकिन जो जैक में है उसमें आईएससी होता है, आईए होता है और आईकॉम होता है। तो आईएससी जब आप लेते हैं तो साइंस लेंगे अगर दी, तो साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स। लेकिन व्हाट इज साइंस? साइंस इज डीप नॉलेज अबाउट एनीथिंग। साइंस जो है, साइंस का हिंदी होता है विज्ञान, ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है नॉलेज। लेकिन साइंस में हम नॉलेज, नॉलेज तो आर्ट्स में भी है और कॉमर्स में भी है। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस में एक अंतर यह है कि साइंस फैक्ट पे डिपेंड करता है, वो कोई कहानी नहीं है, कोई कला नहीं है, लेकिन वो साइंस विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, और वो फैक्ट पे डिपेंड करता है। ये फैक्ट तक हम लोग पहुंचते कैसे हैं? जैसे न्यूटन से पहले भी तो सिर्फ पृथ्वी की तरफ गिर रहा था, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ग्रेविटी को न्यूटन सबसे पहले एक्सप्लेन किए और मोशन के लॉ दिए, इसलिए उनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन उनसे पहले गैलीलियो एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप बनाए, उनके कारण जो है उनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता था। फिर बाद में न्यूटन्स आए तो इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, न्यूटन, तो फिर इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाने लगा। उसके बाद आए आइंस्टीन। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाने लगा। लेकिन इनको क्यों फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है? क्योंकि टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले यही स्टडी करना शुरू किए, तो विज्ञान का एक फील्ड ले लिए। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब है नेचर, नेचर का ये स्टडी करना शुरू कर दिया। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। नेचुरल फिनोमिनन्स में जैसे न्यूटन्स सबसे पहले नेचुरल फिनोमिनन्स ग्रेविटी के बारे में स्टडी किए, और उसी से रिलेट उसी के क्रम में मोशंस को भी जो है डिफाइन किया, लॉ ऑफ मोशंस दिए, इसलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाने लगा। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ये पूरी तरह से सब चीज़ को चेंज कर दिए, रिलेटिविटी का थ्योरी दिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके कारण फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अगर दिखाया जाए, मॉडर्न फिजिक्स का फादर आइंस्टीन है। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स गैलीलियो आएंगे, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में फादर ऑफ फिजिक्स है अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। फिजिक्स का डेफिनेशन सीधा से पढ़ा है, ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स का स्टडी ही फिजिक्स कहलाता है। लेकिन साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हुए, एक्सपेरिमेंट फैक्ट को जानने के लिए पहले हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हम व्यूज देते हैं। तो विज्ञान जब भी आप लेते हैं, ये साइंस की बात, फिजिक्स की बात नहीं है, जब भी आप विज्ञान लेते हैं तो साइंस जब भी लेंगे तो सबसे पहले आप सोचेंगे। तो आपका सोच अगर यदि दूसरे के सोच से मिलता है, वो सोच अगर यदि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो थिंकिंग हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके और भी लोग उससे सहमत हो जाएंगे, हाइपोथेसिस बन जाता है। और हाइपोथेसिस अगर यदि और ब्रॉड रूप में एक्सेप्टेड हो जाता है, देन इट बिकम्स थ्योरी। थ्योरी और थ्योरी भी अगर यदि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो जाता है, उसको कोई नकार नहीं पाता है, तो देन इट बिकम्स लॉ। तो थिंकिंग हाइपोथेसिस की तरफ, हाइपोथेसिस थ्योरी की तरफ और थ्योरी लॉ की तरफ ट्रांसफर होता है। लॉ कभी गलत नहीं होता है, न्यूटन्स का लॉ ये कभी गलत नहीं होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हो सकता है कि कोई दूसरे लोग आए और उसको चैलेंज कर दें, अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको चैलेंज कर दें, तो वो हो सकता है कि फेल हो जाएगा। लेकिन लॉ कभी भी फेल नहीं होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसमें होता है। तो किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं विज्ञान में? थिंकिंग हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ। अब साइंस में जो फिजिक्स है, फिजिक्स में फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो फिजिक्स को हम स्कोप के आधार पे हम लोग फिजिक्स को क्लासिफाई करेंगे। फिजिक्स में मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैट कह सकते हैं, करंट। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स के ये सभी स्कोप हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं, और भी स्कोप्स हैं। एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी भी इसी में आएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में दो तरह का मैकेनिक्स है, क्लासिकल एंड मॉडर्न। क्लासिकल और मॉडर्न, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में हम लोग अगर दी इसको ब्रांच, इसका ब्रांच देखें तो इसका ब्रांच है काइनेमेटिक, काइनेमेटिक हुआ। और देन फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, एनर्जी। तो ये अब मैकेनिक्स में बहुत सारे फील्ड्स हैं। काइनेमेटिक, किसी का मोशन वन डायमेंशन मोशन, काइनेमेटिक्स में भी मोशन को हम स्टडी करते हैं। तो मोशन वन डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डी मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन में केवल लेंथ एक ही साइड में मूव करता है, बॉडी एक प्लेन में मूव करता है और पूरे एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव करता है, तो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। काइनेमेटिक हो गया, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। इसी में SHM वगैरह भी हम लोग को पढ़ना है। मैकेनिक्स में एक मैकेनिक्स होता है जो जनरल मैकेनिक्स है, वो तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन इसमें फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स। अब इसमें मैकेनिक्स कभी भी मोशन को स्टडी का, ये उसके मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, लीनियर लाइन मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन, तो उसको काइनेमेटिक कहते हैं। लेकिन मोशन के कॉज जो फोर्स पड़ने लगेंगे तो अलग हो जाएगा। फिर क्लासिकल में फ्लूड, फ्लूड लिक्विड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो फ्लूड मैकेनिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास में ये लिक्विड है, इसमें वाटर है। अब इसमें इसको अगर दी हम आपको एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा दिखाए कि यदि हम इसको बाहर करते हैं तो ऐसे केस में आप देख रहे होंगे इसमें लिक्विड जो है रह जाता है। तो क्यों रह जा रहा है और क्या रीजन है, फिर अगर हम इसको हटा दें तो लिक्विड ड्रॉप्स के रूप, मतलब ड्रॉप्स के रूप में जो है गिर जाएगा, ड्रॉपलेट के रूप में। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट इसमें और एक दिखाए एक चीज, अब इसको अगर दी हम बाहर कर रहे हैं तो लिक्विड इसमें नहीं गिर रहा है, इसी में लिक्विड है। लेकिन जैसे ही इसको हम अगर दी इसमें फिट्स कर दें, देखिएगा पानी फ्लो करके नीचे गिर जाएगा, पूरा पानी जो है नीचे चला गया। लेकिन इसमें कौन सा, तो ये लिक्विड के प्रॉपर्टीज को, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब लिक्विड में के मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में ही हम लोग को पढ़ना है। ऑप्टिक्स, अगर इसी में ऑप्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्टिक्स में ये लाइट, इसका ये पाइप है, ग्लास का पाइप है, इसका इमेज देखिए तो ये बेंड कर गया है। तो क्यों इसका बेंड हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट रिफ्रैक्ट करता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे हो रहा है। अब इसके अगर भी आप यहाँ पे ध्यान देखें, ध्यान दें तो इसका जो है डायमीटर, ये जो ग्लास पाइप है, जैसे इसे आपको दूर ले जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बड़ा हो गया है, इधर से हम देखेंगे तो छोटा दिख रहा है, इसका डायमीटर छोटा हो जा रहा है, और जैसे इसे आपकी तरफ ले जा रहे हैं तो ये लार्ज दिख रहा है, और आप जो है इसको स्मॉल देख रहे हैं, ये जो है मैग्निफाइड हुआ। तो इसके पीछे का रीजन है लाइट, लाइट का प्रॉपर्टी को आप पढ़िएगा। तो लाइट को पढ़ते हैं, देन इट इज ऑप्टिक्स, हीट फ्लो करता है, हीट एज एनर्जी किस तरह से काम करता है, देन इट इज इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। चार्ज को स्ट्रेस कंडीशन में अगर स्टडी करें देन इट इज इलेक्ट्रोस्टैट। चार्ज को मूव करते हुए में अगर स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हुए, देन करंट, करंट के बाद जो है मैग्नेटिज्म, जहाँ पे नॉर्थ और साउथ इंड बन जाए मैग्नेट, वो मैग्नेटिज्म हुआ। लेकिन करंट और मैग्नेटिज्म एक साथ में हम लोग देखते हैं, तो ट्वेल्थ में ये चैप्टर, ट्वेल्थ में हम लोग को पढ़ना है। इसमें से बहुत सारा पोर्शन हम लोग को इलेवंथ में पढ़ना है और ट्वेल्थ में है। तो इलेवंथ में हम लोग को इसमें मैकेनिक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में एक और आपको दिखा दें, फिजिक्स में जैसे कि फिजिक्स क्या है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स का स्टडी है। बच्चे इस पे खेलते हैं, ये मोटर है, इसमें पंखा लगा हुआ है,
ये कनेक्टर है, 9 वोल्ट का बैटरी है। बच्चे यहाँ हमारे यहाँ के इसमें कारीगरी कर दिए, आप इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा कि ये क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो इसी को पढ़ने के लिए हम लोग फिजिक्स करेंगे। अब उसको छोड़ दीजिए, इसमें अगर ये देखते हैं तो ये किस कारण से मूव कर रहा है, फोर्स के कारण कि टॉर्क के कारण, ये मोटर क्यों काम करता है, ये बैटरी से अगर ये टच करेंगे इसमें तो बैटरी से टच करने पर ये क्यों काम करता है, बैटरी का पोलरिटी को अगर ये चेंज कर दे तो पंखा उलट मूव करेगा, जैसे निगेटिव पॉजिटिव मूव करेंगे तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, पलट देंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, तो ऐसा क्यों, क्या इसमें फिनोमिनन्स हो रहे हैं इस नेचर में, ये नेचुरल फिनोमिनल कौन सा है, तो इसका स्टडी दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड टू नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो न्यूटन्स एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स का फादर अल्बर्ट आइंस्टीन है, और एंशियंट या क्लासिकल फिजिक्स में अगर दी जाए तो न्यूटन्स हैं और गैलीलियो हैं। तो तीनों को जो है दिया जा रहा है फादर ऑफ फिजिक्स के रिस्पेक्ट में, तीनों के बारे में नाम आता है, जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री अल्बर्ट, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, व्हाट, तो इनमें फर्स्ट लॉ ऑफ जो दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवाजियर, तो लेवाजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुए, एरिस्टोटल, उसमें भी फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी हुए। तो फादर किनको कहा जाता है, जो सबसे पहले इसके बारे में सोचे, जाने और समाज को बताए, उन्हीं को फादर, पिता उन्हीं को बोला जाता है, सबसे पहले चीज़ों को वही लाए। तो ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये सभी फिजिक्स के ब्रांच हैं। तो एक एक करके हम लोग डील करेंगे कि क्या है फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रोज़ इसमें 11th और 12th, इस चैनल में 11th और 12th से फिजिक्स से रिस्पेक्टेड वीडियो आपको मिलेगा, और चीज़ों को प्रैक्टिकली, क्योंकि ये चीज़ अभी हुआ क्या कि बच्चे यहाँ पे बैटरी जो है डाउन कर दी है, और हम अभी जब आ रहे थे तो देखे कि ये बैटरी बहुत गर्म है। इसके पीछे का रीज़न है कि जो बच्चा जहाँ पे रखा हुआ था उसमें कारीगरी कर दिया, ये दोनों को जो है जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ देने पर ये शॉर्ट हो गया, बैटरी का जो भी एनर्जी था वो ख़त्म हो गया, जिस कारण से ये पंखा नहीं चला पाया। तो ये तो हम अभी देखे, लेकिन आपको नेक्स्ट डे जो है इसमें नया वीडियो, फ्रेश जो है बैटरी लेकर के आपको दिखाएंगे, ये रोटेट करेगा, वैसे भी आप घर में करके देख सकते हैं, रोटेट करेगा तो पंखा उलट जाता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है। तो करंट मैग्नेट को डेवलप कर सकता है और मैग्नेट करंट को डेवलप कर सकता है, करंट और मैग्नेट एक दूसरे का पूरक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे, और ये सब जो है डील किया जाएगा। तो नेक्स्ट डे जो है वीडियो दिया जाएगा फिजिक्स से रिलेटेड, उसको आप मिस ना कर